रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण और उसके भाई बंधु सब आस पास बैठे हुए हैं। जंगल में सुरूपनखा रावण की बहन लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो जाती है। लक्ष्मण आग भगूला हो उठता है और गुस्से में आकर सुरूपनखा का नाक काट देता है। और सुरूपनखा रोती पीटती रावण के दरबार में भैया भैया पुकारती हुई दाखिल होती है। अरे ये रामायण तो हजारों साल पुराना किस्सा है, मगर आज ये सुरूपनखा कहां से आ गई? आओ बहन जी, आओ आओ आओ। आज आपने अपने शुभ कोमल चरण कैसे डाले? भाई साहब, आप लोगों से मिलने के लिए जिया बेकरार हो रहा था। आए, बाहर तो छाई नहीं, फिर जिया कैसे बेकरार हो रहा था? ए बहन जी, जिस दिन मैं आपके घर से आपकी बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था, उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि बहन जी, जब भी आपने हमारे घर में चरण डालने हो तो हफ्ते दो हफ्ते का नोटिस दे देना, ताकि आने वाले खतरे से हम जरा चौकन्ना रहे। भाई साहब, आपके मजाक की आदत नहीं गई। बहन जी, मैं सूरत देखकर ही मजाक करता हूँ। वो तो ठीक है, बच्चे कहाँ है? दीपू नजर नहीं आता। दीपू तो बाहर गया है और साधना ऊपर वाले लोग आ गई। बेटी, बहन जी कहाँ हैं? बहू, अपनी माँ को अपनी सास के पास ले जाओ। अरे ओ गोविंद जी, साहब का सामान ठिकाने लगाओ। चलो चलो, आओ बेटा, आओ बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ, आप बैठ जाओ। बताओ क्या हाल है? बस जी रहा हूँ चाचा जी। अरे क्या दबी जुबान से कह रहा है कि बस जी रहा हूँ चाचा जी? अरे खुलकर बोल कि बस जी रहा हूँ चाचा जी। लाजवंती बेटी कैसी है? अब तो जुदाई की घड़ियों की सारी कसर निकाल दी होगी। नहीं चाचा जी, अब तो अंगीठी सामने है, लेकिन आग ताप भी नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लाजो अपने मैके में रहती थी और अब उसे निचले कमरे में माताजी के साथ पल्लू बांध के सोना पड़ता है। राम 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 राम। तो क्या तेरी माँ तुझे लाजो के साथ घुल मिल कर बात भी नहीं करने देती? बात करना तो एक तरफ रहा, उसका साया भी मुझ पर नहीं पड़ने देती। अब देखिए ना, उसे वहाँ घर में अकेली छोड़ आई है और मुझे यहाँ अपने साथ ले आई है। पिताजी। हाँ बेटा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। मगर कान में। अरे ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो कन्हैया से छुपाना चाहता है? पिताजी बात ही कुछ ऐसी है। बात ही ऐसी है तो सुना। आहा जियो, हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। अरे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही होगा। कन्हैया, तेरी माँ का क्या प्रोग्राम है? शायद दो दिन यहाँ रहेंगे। हाँ वेरी गुड, तू ऐसे कर, तू दीपक के साथ बाहर जा। लेकिन कहाँ चाचा जी? अरे वहाँ मोहब्बत को मिले आंसू, वहाँ से सितारे बन के आते हैं जहाँ से। अरे ऐसा मौका हाथ से मत छोड़, जल्दी जा, भागमती को मैं संभाल लूंगा। जा 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 जा, चलो अरे जा 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 जा। अरे बाजेगी अब मुरलिया बाजेगी। डर लग रहा है कहीं माजी आ जाएंगी तो? अरे माजी तो 48 घंटे वहां रहने वाली है। पिताजी माँ जी को समझा देंगे, हम दोनों पास के गांव में डैम देखने गए हैं। मगर 48 घंटे तुम कहाँ गुजारोगे? तुम मेरी फिक्र न करो, मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। चल। लाजो, अरे ये लाजो, ये लाजो। देख, मैं तेरे प्यार में वहां से भाग कर चलाया हूँ। मरमर के मिलने की खड़ी आई है और तुम उससे परे परे भाग रही है। ये तो बता बेटी, तेरा शतरंजी ससुर कुछ कमाता वाता है या बैठे बैठे अपने जवाने की कमाई फूंक रहा है? मम्मी, वो रिटायर हो चुके हैं। बेटी, तो फिर एक गृहस्थ कैसे चलेगा? बैठे बैठे तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। अब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, गृहस्थ बढ़ेगा, तब तक तो ये बूढ़ा बूढ़ी दीवारा निकाल छोड़ेंगे। तो यूं साफ साफ कहो ना मम्मी, कि मैं भी अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दूं। साफ साफ कहने की क्या जरूरत है बेटी, मेरा मतलब तो तू समझ ही गई। ये मत समझना तेरी सास बड़ी अच्छी औरत है, मेरी बचपन की सहेली है, इसके रंग ढंग मैंने देख रखी है। इसने भी तो अपने सास को जूड़े से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उन्हें घर से निकाल दूं। जब मैं सास बनूंगी तो मेरी बहू भी मुझे घर से निकाल देगी। और हाँ, आज लाजवंती भाभी की माँ जिंदा होती ना, तो तुम्हारे ही घर में आके भाभी को यही पट्टी पढ़ाती कि वो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दे। हाँ राम, क्या वक्त आ गया है,
माँ की शिक्षा का अमृत भी बेटी को जहर लग रहा है। मुझे क्या करना है बेटी, तू जानना और तेरा काम। मैं तो वही कहूंगी जो दुनिया की रीत है। मैं तो चली, मुझे क्या करना है। मम्मी सुनो तो, अब तो नाराज हो गई। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, सासु माँ। ना दीपू बेटा आया ना दल्ला, मैं तो समझी के घर में पड़ी पड़ी खा रही हूँ। गोविंद इसे कह दो कि इस घर में खाने की कमी नहीं है। सरकार है? ये दीपू की माँ नहीं साथ है, साथ इससे आमने सामने बात कीजिए ना। ओ, मुझे भी क्या बुरी आदत पड़ गई है, दीपू की माँ हो या दीपू की सास, औरत जात में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अरे कहाँ चला गया था बेटे तू? बहन जी ये दीपू के साथ है, मैं डैम देखने गया। डैम बेटा कैसा था डैम? बड़ा जबरदस्त डैम था चाचा जी, ये सब आप ही का प्रताप है। मैं कोलू का बैल, मेरे ये नसीब कहाँ। चल बेटा चल, कहीं घाट पर से नाव ना छूट जाए। बहन जी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, एक दो दिन और हमारे पास रह लेती। हाँ हाँ जरूर रहिए, जरूर रहिए। मगर बहन जी ये बताइए, अपनी बेटी को शिक्षा विक्षा दे दी ना? मैं इसे क्या शिक्षा दूंगी, ये मेरी नहीं अब आपकी बेटी है। अरे बहन भागमती, ये तो स्वर्गवासी हर प्रसाद के पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम्हारे घर ऐसी बेटी पैदा हुई, और मेरे कितने पुण्य होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। पिताजी आप मेरी बीवी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम अपनी बीवी की नहीं कर सकते। बहन जी आप जल्दी कीजिए, नाव छूटने वाली है। अरे ओ गोविंद, अरे अपनी मालकिन से कह दे कि अपनी संतन को नदी में धकेल आए, मेरा मतलब है कि नदी किनारे छोड़ आए। हाँ चलो चलो तुम जा बैठे। पिताजी। हाँ बेटे। अरे जरूर जरूर, चाय पी पी कर मेरा दिमाग खुश्क हो गया है। हाँ, जीती रहो जीती रहो। अरे बहू सुनो, जब से तुम आई हो मैंने तुझे अपना कोई शेर ही नहीं सुनाया। पिताजी मुझे कविता से लगाव नहीं है। कविता से लगाव नहीं है? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम्हें शायरी का शौक नहीं है? अरे बेटा कविता तो आत्मा की खुराक होती है, अच्छा शेर सुनने या कहने से दिल और दिमाग साफ हो जाते हैं। अच्छा बता ये तू, भगवान की पूजा करते समय भजन गाए जाते हैं या नहीं? तो वो भी तो कविता ही होती है। सुनो मेरा शेर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मैंने जब पकड़ा था कमबख्त तेरी सास का हाथ। पिताजी आप हमेशा सासू माँ के बारे में ऐसी जलीकटी बातें क्यों करते हैं, वो तो देवी है। देवी देवी तो है, मगर जिंदगी में उसने मुझे सिर्फ एक ही प्रसाद दिया है, वो है तुम्हारा पति दीपू। इतना अच्छा प्रसाद तो और कोई देवी नहीं दे सकती। अच्छा तो अपने पति की तारीफ शुरू कर दी जी, ये तो मेरा धर्म है। पिताजी आपके सामने मुझे जबान तो नहीं खोलनी चाहिए, आपके चरणों की तरफ देखकर ही एक बात पूछती हूँ। तब पूछो बेटे। आप मांझी के साथ अच्छी तरह खुलकर बात क्यों नहीं करते? पिताजी आप दोनों के बीच में ऐसा कौन सा भाव भेद है? बेटी मैं जानता हूँ, जब से तू आई है ये तमाशा देख देख कर तेरा दिल कुटता होगा। अब मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा, जिंदगी तो तूने इसी घर में गुजारनी है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की किताब का वो सफा उलट कर सुनाता हूं जिसमें सिर्फ गम का किस्सा है। 22 साल पहले जब दीपू बच्चा था तो इस दीवार पर लगी हुई तस्वीर की याद में इस घर से रूठ कर चली गई और खाली फ्रेम रह गया। पिताजी इस फ्रेम में किसकी तस्वीर थी? उसकी, जिसने मेरे जीवन में रंग भरे थे, मुझे जन्म दिया था, मेरी माँ की। तो क्या वो घर छोड़कर चली गई थी? चली नहीं गई थी, निकाली गई थी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे बाप का साया बचपन में ही मेरे सर से उठ गया। क्या क्या जतन करके मेरी माँ ने मुझे पाला, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और किस शौक से मेरी शादी की। फिर तेरी सास इस घर की बहू बनकर आई। मैं ये नहीं कहता कि तेरी सास बुरी है, हर आदमी में गुण भी होते हैं, पर अब गुण थी मेरी माँ और तेरी सास की एक दिन न बन पाई।
उठते बैठते झगड़ा। मैंने तुझे कई बार कहा कि मैं पराठी नहीं चपाती खाती। बहू, चपाती बनाती हूँ तो पराठों के लिए कहती हूँ, और पराठे बनाती हूँ तो चपाती के लिए कहती हूँ। और ये फिर मीठी पराठी बनाने की क्या जरूरत है, जैसे तेरा बेटा लखपति, जो मैं तुझे रोज मीठी पराठी खिलाती फिर। बाल की खाल क्यों खींचती हूँ, आज मेरा व्रत है, मुझे नमक नहीं खाना है। नमक नहीं खाना, मेरा भेजा खाएगी, भ्रष्ट हो गई है। बहू, घर से निकालना है तो सीधे मुझसे कहो ना कि मैं चली जाऊँ। जिसे जाना होता है वो मुहूर्त निकलवा कर नहीं जाता, रोज जाने की धमकी देती है, कभी जाकर भी दिखाना। छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गई। एक बार मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर गया, माँ के आशीर्वाद से मैंने वहां लाखों रुपए कमाए। साल के बाद मैं वापस लौट रहा था, सफर के दौरान मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी सारी दौलत ले जाकर माँ के चरणों में रख दूंगा और कहूंगा, माँ आज से तू इस घर की रानी है, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब मैं और तेरी बहू मिलकर तेरी सेवा करेंगे। मगर बेटी, घर आकर मैंने देखा मेरी माँ घर में नहीं है, तेरी सास के आए दिन के झगड़ों से तंग आकर वो कहीं चली गई, जाते जाते अपनी तस्वीर भी ले गई। मैंने देश के कोने कोने में उसे ढूंढा मगर वो नहीं मिली। आज तक पता नहीं चला कि मेरी माँ इस दुनिया में है या नहीं। वो दिन और ये दिन मैंने तेरी सास से आमने सामने कभी बात नहीं की। कभी कभी करना भी चाहता हूँ तो मेरी माँ की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ जाती है। बस बेटी, मैं और कुछ नहीं सुना सकता, ऐसे लगता है कि मैं अपने ही नाखूनों से अपने दम को रेंध रहा हूँ। जाओ, जाओ।